दूषित हो गई बा, एकदम हिराइल देता, गंदा पानी देता, एह का चलते बहुत आदमी बीमार हो गए, दूसरा के कल से पानी ले आ रहा बा। गांव में नाली निर्माण के का व्यवस्था? गोला गतनी समाचार बटुए राजपुर से रिपोर्टर बानी सत्येंद्र चौबे जी। खबर के हेडलाइन सुनी, एगो ऐसन गांव जहां लोग मईल पानी पिए के बाड़े मजबूर, गाज फेंकत चापा कल महकत पानी। जी हां, खबर के हेडलाइन ही है बटुए। आज 21वीं सदी चलता, मुख्यमंत्री के सात निश्चय योजना धड़ाधड़ काम करता। सात निश्चय योजना में हर घर जल नल के व्यवस्था बा, लेकिन यह राजपुर क्षेत्र के एगो ऐसन गाँव बा जहाँ चापा कल से बजकत पानी निकलता। खबर का बा विस्तार से जानी। बक्सर जिला के एगो ऐसन गाँव जहाँ लोग खाती जल जीवन ना बल्कि जल जंजाल बन के रह गई बा, काहे से कि लोग के घर में लागल हैंड पंप अब गाज फेंकत पानी उगले लागल बा। बाल्टी में पानी भरते गाज जैसन आवता, वो हैंड पंप के पानी से बदबू भी निकलता, जौना से गांव के जीवन अस्त व्यस्त हो गई बा। गांव के द्वारा साफ आ गंध रहित पानी खाती एने ओने से व्यवस्था क के जीवन के चलावल जाता। एकर मुख्य कारण ही बा कि जा गली में सात निश्चय योजना में बने वाला नाली के निर्माण ना भइल, ना ही मुख्यमंत्री के महत्वाकांक्षी योजना नल जल के लाभ ग्रामीण के मिलल, जेकरा कारण ग्रामीण अपना घर से निकले वाला पानी के बगले में गाढ़ा खून के सोखता बना दिले बा लोग, जेकरा खातिर 50 से 60 फीट पहले बोर करावल लोग, एकर बाद एगो बड़ गाढ़ा बना के घर के गंदा पानी वही में गिरावत रहन, ताकि मुहल्ला के गली में नाली के पानी ना जमा हो सके। इस समस्या बक्सर जिला के समहुता पंचायत के वार्ड संख्या 6 के चौधरी टोला के ह। वार्ड 6 में पंचायत चुनाव के बाद ग्रामीण के आपसी मतभेद के कारण नाली निर्माण ना भइल, जेकरा कारण ग्रामीण घर के सामने हैंडपंप के 50 से 60 फीट तक जमीन में बोर करैला के बाद वही में पन सोखता बना दिहल लोग, जेकरा कारण घर से निकले वाला गंदा पानी धरती के अंदर समा जाता। अब ग्रामीण खाती मुसीबत आ जंजाल बन गई बटुए। ग्रामीण के लापरवाही के कारण अब घर के हैंडपंप दूषित आ फेन फेंकत पानी देवे लागल बा। इस संबंध में जानकारी देत समहुता गांव के वार्ड संख्या 6 के हीरालाल चौधरी का कहतर सुनी। कीटाणु हो गई बड़ा संख्या, ओकरा में पिए लायक नहीं है पानी, दूसरा के कल पत जैसे कि कहीं कहीं दूसरा जगह काहे भर के आवत काहे स्थिति बा ई बड़ुए स्थिति, जैसे कि घूर गला देल बड़न, 500 आदमी गला देल बड़न 10-12 गो गली में ही, वो के वजह से ई जौन बड़ुए कीटाणु दे रहल बा कल पिए लायक नहीं है पानी एकदम। नली के समस्या बड़ुए एक जगह बहुत बड़ियार की नली की नली एकदम हइए नहीं के, ना ही कोई ये जगह कोनो सुनवाई बढ़ी गई। पंचायत के मुखिया उखिया नाली निर्माण के प्रति मुखिया कोनो अथुए नहीं खेल जगह की का बनी का होई कैसे होई, कोई कोनो अथु नहीं खेल। नाली निर्माण काहे नहीं के होत, काहे लोग बने नहीं के नाली निर्माण ऐसे नहीं के होत, कोई कहता कि हेने बनी, कोई कहता कि होने बनी, कोई कहता कि ना बनी, एक वजह से नाली के निर्माण रुक जाता हुए नहीं बन पावे। तब लोग पानी सोखता अपना द्वार पर कर ले लोग, सब कोई अपन अपन द्वार पर सोखता कर ले बड़न, एक चलते कितना आदमी को ही में दिक्कत बढ़ी है कि पानी फेंके के पड़त रुए गढ़ा खोन खोन के फेंके के पड़ता दूसरा जगह। नाली निर्माण ना होकर चलते है ना, नाली निर्माण ना होकर के वजह से गांव के का समस्या बा। गांव के समस्या बा कि जो 500 आदमी 10-12 को करा दिल बन गलिए में, आज जब गली नली के निर्माण कोनो नहीं थे, ऐसे 500 करवला के चलते जितना भी अथुबार से चंपा कल उ पानी दूषित हो गई बा, एकदम हिराइल देता, गंदा पानी देता, एह का चलते बहुत आदमी बीमार हो गए, दूसरा के कल से पानी ले आ रहा बा। गांव में नाली निर्माण के का व्यवस्था बा कि 500 लोग बोले बा नाली निर्माण नहीं थे, नाली निर्माण केहू कहता कि हेने हुई तो केहू कहता कि होने हुई, एह का चलते मुखियो भी नहीं खन करा पावत, ऐसे या नाली के का लोग कहता नाली निर्माण पर गांव के लोग का कहता, गांव कहता के हमारा दिन ना बनी तो होने ना बनी तो हेने ना बनी, एक चलते नाली निर्माण नहीं हो, एक चलते गांव के लोग
पनसोख कहाँ कहाँ बना देल बन? पनसोख 10-12 गो आदमी अपना अपना द्वार पर करा दे मन पुछो गलिए में कि पानी बड़ी निकासी ना को जे नीचे चल जाए, जे चल जाए नीचे वो उसे दूषित हो गल बा कल के पानी। पानी जो दूषित निकलता एकरा खातिर प्रशासन का कोई आई रहल है कि ना? अभी तक अब तक नहीं कोई आई। उसी सब पानी उपयोग में लोग लावत हो जाए ना?